ब्रेक के बाद एक बार फिर शानदार आज बात हो रही है हमारे स्किन के हवाले से। ड्राइनेस को हमने बहुत डिस्कस किया है, जहाँ पे हम आपको कहते हैं कि आप घर में ये लगा लें, ऐसी बातें कर लें, कुछ आपको फैक्ट्स दें वगैरह, साथ ही साथ हमेशा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी डॉक्टर से जरूर रुजू की जाए। उस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आज हमारे घर आने का। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस की हैं, लेकिन अगर मेडिकली देखा जाए तो ड्राइनेस के क्या वजूहत हो सकते हैं? कोई इंटरनल इशूज या कोई हेरिडिटरी इशूज हो सकते हैं जिसकी वजह से स्किन ड्राई है? स्किन को अगर आप देखा जाए ना, स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, जैसे दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है, लंग है, स्किन को भी आप ऐसे कंसिडर करें, सही है, वो भी एक ऐसी ऑर्गन है, उसको भी डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। बिल्कुल, ड्राइनेस एक ऐसी कंडीशन है स्किन की जो नेसेसरी हेरिडिटरी नहीं होती, ज्यादा एनवायरमेंटल एक्सपोजर इस वजह से हो जाती है। हाँ, जब जहाँ पे काम कैसा, अगर आप बाहर हैं, मजदूरी कर रहे हैं तो मजीद, हाँ ठीक है, जैसे किसी को एक्जिमा या डर्मेटाइटिस हो जाए, ये चीजें थोड़ी हेरिडिटरी भी हो जाती है। एस्मा, हे फीवर, एक्जिमा जेनेटिक होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मोस्ट ड्राइनेस हमारी होती है आजकल के, इट्स एनवायरमेंटल बेस्ड, हमारा मौसम के हवाले से ये चीजें होती हैं। मुझे बताया कि कब हमें पता होता है कि अब डॉक्टर को देखने की जरूरत है? कि बाज़ औक़ात हम हैवी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, फिर कोई टीवी पे आता है कहता है कोको बटर लगा लें और आप वो लगा लेते हैं, देन समबडी कम्स एंड सेज़ ऑयल योर बॉडी, वो भी ठीक है, बट देयर सर्टेन कंडीशन के वो काफी ढीठ होती है और रहती हैं, जाती नहीं है आपको। हाँ बिल्कुल, और ये पॉइंट है जो आपने बात की थी ना, जो कंडीशन डीट होती है और जाती नहीं है, इसका मतलब है कि उसके लिए आपको मजीद हेल्प चाहिए। द सिंपल थिंग्स लाइक वॉशिंग एंड लुकवॉर्म वाटर, मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग आपके एनवायरमेंट, पानी, अगर इस चीजों के साथ नहीं आती फिर आपको पता है देयर समथिंग आई नीड टू गो एंड सीक एडवाइस। डॉक्टर साहब, देयर अनदर इशू विद ड्राइनेस, एक्ने बहुत हो जाती है, बाज़ औक़ात लोगों को ड्राइनेस में भी एक्ने होती है, जबकि एक्ने को एक बहुत ही ऑयली स्किन कंडीशन से रिलेट करते हैं हम, इज देयर एनी ट्रूथ इन दैट? इट इज प्रॉब्ली रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने। जब हम एक्ने ट्रीट करते हैं उसके साथ ड्राइनेस हो जाती है, स्किन को ड्राई करते हैं, ऑयल्स सामने जो होते हैं, जो ग्लैंड होते हैं जो ऑयल्स बनाते हैं, हमारी कोशिश होती है इनको खत्म कर दें, लेकिन क्योंकि एक वो डिजीज प्रोसेस चल रहा होता है स्किन के अंदर, तो एक तरफ से आप उनको ड्राई कर रहे हैं, हाँ। लेकिन ऑयल प्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ होता है, तो आपको कॉम्बिनेशन में दोनों चीजें आ जाती है। एट दिस पॉइंट आपका डॉक्टर का होना, डॉक्टर की फॉलोअप होनी जरूरी है, ताकि वो एक आपकी हाइड्रेशन ऑफ स्किन, इसकी एक्सफोलिएशन, डेड स्किन को ऑफ करने, ताकि आपके जो अंदर वाले पोर्स वगैरह हैं वो सारे साफ हो जाए, जो ऑयल बन रहा है ना वो फ्रीली स्किन से निकले, क्लॉग ना हो और उसकी पिंपल्स ना बने, ठीक है, तो वो डॉक्टर आपको फिर हाँ फॉलो करेगी। और साथ साथ जो भी हीलिंग स्किन के ऊपर, देखो एक मॉइस्चराइजिंग होती है, साथ एंटीऑक्सीडेशन भी होती है और स्किन की हीलिंग भी चाहिए। अगर हम 2017 तो अब क्या 18 आने वाला है, अगर हम इस मॉडर्न एरा में देखें तो अब बोटॉक्स, फिलर, अ लॉट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड दीज थिंग्स, मैं बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं हूँ, लोग मुझे कहते हैं शायद आप टेलीविजन पर इसलिए आप इसको प्रमोट करती हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये चीज़ें आपकी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेटेड भी रखती हैं, जो आप लोगों की स्किन देखते हैं एक हद तक, कितना आप रेकमेंड करते हैं इन टुडेज टाइम? कि ठीक है एक ज़माने में चीज़ थी, लेकिन अब दुनिया आगे बढ़ गई और ये चीज़ें आ गई हैं, मेन स्ट्रीम हो गई हैं, तो उनको हाई करने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाए। विल इट हेल्प योर स्किन एट ऑल? यस इट डज। जो आपने एक्ने की बात की थी ना, एक्ने, हाँ, तो एक तरीका कार होता है जिनकी बहुत सीवियर एक्ने होती है ना, और वो सिस्टिक एक्ने होती है, बड़े सिस्ट बन जाते हैं, हाँ, वो किसी चीज के साथ जो ग्लैंड होता है ना, कुछ डॉक्टर्स हम यूरोप में वो क्या करते हैं, उस एरिया से माइक्रो बोटॉक्स होता है वो लगाते हैं, वो क्योंकि मसल पे काम करता है, वो ग्लैंड को श्रिंक कर देता है, उसकी ऑयल प्रोडक्शन, तो इसका एक थेरेप्यूटिक रोल भी है जी, आप स्किन की बेहतरी के लिए। बिल्कुल सही। हाइड्रेशन के लिए जब फिलर्स लगाते हैं, अब लोगों को ये होता है कि फिलर सिर्फ एक लाइन बनने के लिए, लेकिन अब नए फिलर ऐसे हैं कि जो फिलर होता है जब जाता है ना, फिलर इटसेल्फ के इस हाइलुरोनिक एसिड, जब आप हाइलुरोनिक एसिड स्किन के अंदर डालते हैं, वो पानी को अट्रैक्ट करता है अप टू 1000 टाइम्स इज वेट इन वाटर। देखें जरा, तो जहाँ पे ज्यादा आपकी ड्राइनेस होना, तो आप एक माइक्रो फिलर्स की ना जो होती है वो मीजो करवा लें, तो वो एरिया पूरी हाइड्रेशन हो जाती है आपकी, तो यू कैन यूज एन एक्सेप्शनली ड्राई स्किन, बट लोग ज्यादा करते हैं आपके स्किन के टेक्सचर एक्सेट्रा बेहतर करने के लिए। यू नो माशाल्लाह यू प्रैक्टिस इन लंदन, आप लाहौर में भी प्रैक्टिस करते हो, कराची में भी करते हैं, दुनिया छोटे होते जा रही है, पीपल हैव सिमिलर प्रॉब्लम्स, तो इन दिस डे एंड एज हमारे सबसे स्किन के बड़े मसले क्या हैं? यू नो लोग अब पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम मुझे बहुत कॉल्स आते हैं,
कि पिगमेंटेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल, और कहते हैं एक दफा हो जाए तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल, और इसमें काफ़ी सारी हकीकत भी इस बात के अंदर, जैसे मैंने कहा था स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन आपका, ठीक है, और अगर इसको कोई डिजीज प्रोसेस आ जाए तो उसको मैनेज करना होता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और यूरोप में सबसे ज्यादा अगर मुझे डिफरेंस आई है ना चीज में, तो वो पिगमेंटेशन के हवाले से, वो भी हमारे एनवायरनमेंट की वजह से, हमारे एक्सपोजर, हमें कम होते हैं, हमें ज्यादा होता है, हमें ज्यादा होता है जी। ओह गॉड, जबकि कहते हैं कि बाहर मुल्क में उनका एक्सपोजर टू द सन ज्यादा होता है, वो आउटडोर्स ही होते हैं, हम तो 24 घंटे अपने आप को गोरा रखने के चक्कर में छांव में रखते हैं, और उसके बावजूद बिल्कुल जी हमारा जो होता है हमारा, हम बाहर निकलते हैं जितनी हमारी यहाँ पे शदीद गर्मी और सिर्फ हीट नहीं है जो पोल्यूशन होती है वो भी करती है। एंड दे आल्सो से कि जो लोग किचन में होते हैं, और क्योंकि हमारी बहुत सारी खवातीन जो हैं, देखो किंग एंड दिस एंड दैट, कहते हैं उससे भी फ्यूम्स से आपकी स्किन अफेक्ट होती है, फ्यूम्स के साथ होती पिगमेंटेशन, इतनी नीचे टेक्सचर बदल जाता है। पिगमेंटेशन के हवाले से मैं यही कहता हूँ कि पेशेंट्स को, अगर आपको हार्ट अटैक हो जाए आप उसके बाद स्टेंट लगाते हैं, बिल्कुल सही है, उसके बाद मेडिकेशन लेते हैं, फिर आपको कहते हैं जी आप फ्राइड फूड छोड़े या स्मोकिंग छोड़े हाँ। तो अगर आप पिगमेंटेशन आपको हो जाए आप उसकी मेजर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं हाँ। तो बाद में अगर डॉक्टर्स आपको कुछ क्रीम्स देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, तो आप यूज करें। तो ये तो वो बात हुई ना, आपने स्टेंट डलवा लिया लेकिन बाद में मेडिकेशन नहीं ली हाँ। तो अगर आप हार्ट अटैक के बाद स्मोकिंग करते रहेंगे तो जाहिर है वही प्रॉब्लम आएंगी, तो अगर आप सनब्लॉक नहीं लगाएंगे स्किन को वही इश्यूज आएंगे, तो इसको मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, वी जस्ट नीड टू मूव फॉरवर्ड। टाइम कम है हमारे पास डॉक्टर साहब, देखिए जल्दी पहले एक चीज बता दें कि प्रिवेंट करने के लिए पिगमेंटेशन सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, सनब्लॉक? जी सनब्लॉक और एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट तो मैं दोनों नहीं इस्तेमाल करती, मुझे डर लग रहा है, और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ एंटी एजिंग भी होती है जी। देखे जाते हैं, देख के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। बहुत कम है मुकाबला सकते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि यू नो अभी आपके कॉल लेना हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा लेकिन एक कॉल वैसे भी आ गई है, तो फिर आपको यूएन नंबर भी बता देते हैं कि कहाँ से आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, या इनके क्लिनिक से रब्ता कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी वगैरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले कॉल लेते हैं, किसी कॉल है, औरंगजेब, आलमजेब, आलमजेब है कोहाट से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेज आलमजेब। मिसेज आलमजेब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। कोहाट में तो बहुत ठंड होगी, ड्राइनेस वगैरह? हाँ जी, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बारिशें नहीं हो रही हैं, तो फिर अपना कर्म करें। बिल्कुल सही है जी। डॉक्टर साहब मौजूद है, कोई सवाल पूछेंगे? हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात करनी। कीजिए कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने अपनी स्किन के बारे में पूछना था। मैं 35 इयर्स ओल्ड है मेरी एज, और बहुत ज्यादा जैसे लूज नहीं हो जाती, जैसे लटकने लगती है, और जैसे फाइन लाइन जो होती है जैसे लूज हो गई स्किन, बिल्कुल ड्राई बहुत है, डैमेज स्किन जिसको कहते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आती कि फिर मैं इसमें मतलब जो जैसे आप अभी डिस्कस कर रहे थे, जो भी चीज होती है तो हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, इतना पता नहीं होता, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल आ गया, क्योंकि मैं इसकी तरफ आने वाले थे, टाइटनिंग एंड नॉन इवेसिव यू नो वेज ऑफ लिफ्टिंग योर स्किन। जब स्किन लूज हो जाता है, जैसे हम एज करते हैं, हमारा जो नेचुरल कोलेजन होता है वो कम होने लग जाता है। कोलेजन सपोर्ट मैट्रिक्स होती है स्किन की, एक ढांचा होता है, बिल्कुल सही है, तो वो जब लग जाता है तो स्किन आपका गिरने लग जाता है, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास एक नई टेक्निक है जिसके साथ हम आपके ओरिजिनल एग्जिस्टिंग कोलेजन को दोबारा रीशेप करके स्किन को लिफ्ट कर देते हैं, ना इसके अंदर बोटॉक्स है, ना फिलर्स है, ना थ्रेड्स है, इट्स वेरी नेचुरल, और वो आधे घंटे का प्रोसीजर होता है। स्किन को नम करते हैं, मशीन लगाते हैं, इसके ऊपर कॉलेजन रीमॉडलिंग होती है आपकी। कितने ऑफन कराना पड़ता है ये? एक सेशन आपको 6 माह लास्ट करता है, ठीक है। पहले 2 सेशन इकट्ठे होते हैं, एक माह के बाद वो आपके फेस को वापस अपनी नेचुरल शेप पे ले आएगा, जहाँ पे आपकी बोन स्ट्रक्चर है, जहाँ उससे आगे नहीं जाएगा, और वो आपकी वापस लिफ्टिंग कर लेगा। इसके अलावा हम स्कैन करते हैं स्किन को, आपका कोलेजन इलास्टिन के लेवल्स चेक करते हैं। तो इसके हवाले से अगर जो जो चीज़ें आपको स्किन मैनेजमेंट में जो कोई ऐसी चीज़ें की जरूरत हो, वो हम आपको बता देते हैं कि आप ये भी इस्तेमाल कर लें, ये भी साथ साथ करते हैं। मुझे बताएं कि हाउ एक्सपेंसिव आर दीज ट्रीटमेंट्स? अगर आई मीन यू डोंट हैव टू गिव मी अ फिगर, लेकिन जैसे वो कोहाट से हैं, पहले तो लाहौर आएंगी या कुछ ऐसा होगा,
کہ ان کی اسکن بہت زیادہ اگر ان کو تکلیف دے رہی ہے تو یو نو یہ اکنامکلی بھی لوگوں کے پاکٹ کے لیے فرینڈلی ہوتا ہے کہ انسان اس کو کرائے یا کچھ؟ دیکھو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی بجٹ پہ، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری یہ فلاسفی ہوتی ہے کہ ٹریٹمنٹس آپ اچھی کروا لیں لیکن کم کروائیں، کم کروائیں، ٹریٹمنٹ افیکٹو کروائیں جو رزلٹ دیں. دیکھو وہ ٹریٹمنٹ ہے جو 6 ماہ کا رزلٹ دے رہی ہے تو ایک وہ ہوتی ہے جو سستی ہوتی ہے، 2-3 ہفتے کے بعد وہ اس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بعض اوقات افیکٹ آتے بھی نہیں ہیں. تو یہ ہوتی فالس پرائس جو ہوتی ہے، فالس اکانومی ہوتی ہے. آپ نے دیکھنا کہ میں ٹریٹمنٹ کیا کروا رہی ہوں، کتنا ڈیوریشن ہے اس کا، ایوریج کتنا رزلٹ ہے، اور اس کا میرا ایوریج اس پیریڈ میں ٹائم میں کتنا اخراجات آ رہا ہے. بالکل صحیح، اس حساب سے آپ کو پتہ لگتا ہے. ڈاکٹر صاحب یو اے این نمبر ضرور بتائیے گا، آپ کے کلینک کا ضرور بتائیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے. ہمارا یو اے این نمبر ہے 111 اور ڈاکٹر سکین DRSKIN اس کے جو بھی نمبرز بنتے ہیں 111 اور میرا خیال کال سینٹر لاہور میں ہمارا بیسڈ ہے تو 042 آگے لگتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کنسلٹنسی، ڈاکٹر صاحب ایز اے ڈاکٹر ایز ویل اینی لاسٹ 2-3 ٹپس جو آپ لوگوں کو دینا چاہیں فار دیم ٹو ہیو گڈ اسکن، کہ ٹھیک ہے شروعات یہاں سے کریں. اینڈ آئی تھنک ہم اپنی ینگ ایج میں بہت لاپرواہی کرتے ہیں، 30s ماں کے سب ڈر جاتے ہیں. سو شوڈ وی آلسو ہیلپ آور چلڈرن انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو ٹیک کیئر دیئر اسکن؟ ایبسولیٹلی. جیسے بچے ہمارے سوئمنگ جاتے ہیں، ان کو بتائیں کہ سوئمنگ فوراً بعد آپ نے اسکن موئسچرائز کرنا ہے اور سن بلاک لگا لینا ہے. یہ دو چیزیں شروع سے بتاتے رہیں، اٹ بیکمز ا پارٹ آف دیئر نیچر. اسپورٹس کھیل رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جب بھی ہم پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں ہمارا جو فلاسفی ہے، دیکھو ہمارے پاس اتنی نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جو ہم نے پاکستان میں فار دا فرسٹ ٹائم لانچ کی ہیں، انکلوڈنگ اسٹیم سیل تھراپیز تک اور سمپل ایکنی پگمنٹیشن اسٹیم سیل تک، بہت ساری ٹھیک. لیکن ہمارا اپروچ ہوتا ہے پیشنٹ یو ٹریٹ دم ہولسٹکلی ایز اے ہول پرسن، صرف اسکن کو نہیں ٹریٹ کرنا، مینٹلی بھی ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے، وہ آپ کے ساتھ ہوں، دین یو گیٹ دا ریزلٹس. ڈاکٹر صاحب آئی ویش وی ہیڈ مور ٹائم بٹ دس از دا اسٹارٹ ٹو گڈ تھنگس. ان شاء اللہ آپ کو دوبارہ یہاں ضرور انوائٹ کریں گے، جب بھی آپ ہمارے شہر میں ہوں گے ہمیں ضرور بتائیے گا. جتنی باتیں کر سکتے تھے کی ہم نے، لیکن یو کین آلویز فائنڈ دم آن لائن. یو اے نمبر بھی ہم نے آپ کو دے دیا، تو ضرور ڈاکٹر صاحب سے ان کے کلینک سے رابطے میں رہیے گا. اسکن کا خیال رکھیں، از دا بگیسٹ آرگن ان یور باڈی، اور اگر آپ کی اسکن اچھی ہوگی تو آپ کا کانفیڈینس لیول، آپ کا مینٹل پیس، یہ تمام چیزیں ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ بیڈ اسکن میکس یو ویری کانشیس. یہ تو ہے، اینڈ خیر مجبوری بھی ہوتی ہے. But the doctors, like Dr. Sabat.